हेलो, यूपीएससी जोन में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए लाया हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल जो यूपीएससी मेंस एंड प्री के लिए दोनों ही इम्पोर्टेंट है। जो यहाँ का न्यूज क्या बता रहा है कि चाइना विल रिव्यू न्यू इनपुट ऑन अजहर। हमने लेटेस्ट में सुना होगा कि चाइना ने फिर अजहर पे सेंसेशन लगाने के लिए फिर मतलब इंटरप्ट कर दिया है, उसने अपना वीटो का पावर का यूज कर लिया है। मतलब इंडिया अजहर पे इंटरनेशनल टेररिस्ट उसको घोषित करने के लिए चाहता है, लेकिन चाइना क्या करता है, उसको बीच में अंगड़ा लगा देता है और उसको इंटरनेशनल टेररिस्ट लगाने के लिए हेल्प नहीं करता है। तो अब चाइना की तरफ से कुछ हमारे कुछ न्यू इनपुट्स देखने को मिल रहा है कि चाइना क्या कहना क्या चाह रहा है। चाइना कहना चाह रहा है कि वो स्टेटमेंट दिया है कि चाइना हम कुछ नया इनपुट देख सकते हैं जो हम अजहर को हम इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित कर सके। तो इसमें क्या है कि उसके बाद अपना अपना गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कुछ बोला है कि चाइना को कुछ भरोसा दिलाया है कि दिल्ली से नो एंटी चाइनीज एक्टिविटी विल बी अलाउड इन इंडिया। तो इसमें चाइना ये कंफर्म चाहता है कि चाइना के अगेंस्ट इंडियन टेरिटरी में कुछ भी चाइना के अगेंस्ट कुछ ना हो। सो चाइना वो चाहता है, ठीक है। तो चाइना हैज एज्योर्ड इंडिया दैट इट विल इन फ्यूचर कंसीडर एनी एडिशनल इन्फॉर्मेशन दैट इज प्रोवाइडेड ऑन जैश ए मोहम्मद चीफ मसूद अजहर टू डेसिग्नेट हिम टू अ इंटरनेशनल टेररिस्ट, ठीक है। द एश्योरेंस वाज गिवन बाय मिनिस्टर ऑफ पब्लिक सिक्योरिटी ऑफ द पब्लिक रिपब्लिक ऑफ चाइना जियो ख्याजी टू होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह एट हाई लेवल मीटिंग हेल्ड इन न्यू दिल्ली लास्ट वीक में हुआ था। और एक चीज आपको सुना ही होगा कि तिब्बत के एक धर्म गुरु है दलाई लामा जो इंडिया के टेरिटरी में रहते हैं और वो अरुणाचल प्रदेश में कभी कभी विजिट करते हैं। तो इसमें क्या है कि चाइना को शक है कि ये दलाई लामा हमारे चाइना के अगेंस्ट कुछ तो षड्यंत्र तो नहीं रच रहे हैं, कुछ एंटी चाइनीज वाला एक्टिविटी तो नहीं कर रहा है, इसीलिए चाइना हमेशा इंडिया के अगेंस्ट क्रॉस में रहते हैं, मतलब एंटी में रहते हैं। तो इससे पहले आपने सुना होगा कि एक डोकलाम का केसेस भी आया था, डोकलाम का केसेस आया था। तो उस टाइम ये हुआ था कि दोनों कंट्री ने आपस में उसको सुलझा लिया था और दोनों एक सेपरेट बाउंड्री पे दोनों आगे की ओर नहीं बढ़ा और अभी भी उसी लेवल पे है। तो डोकलाम स्टैंड ऑफ बिटवीन द आर्मीज ऑफ द टू कंट्रीज एट द चाइना सिक्किम भूटान ट्राई जंक्शन, जो जिस जगह डोकलाम का जो पॉलिटिकल इश्यू बना था वहाँ पे एक ट्राई जंक्शन बनता है। लास्ट ईयर में ये हुआ था, आपने सुना ही होगा। तो लास्ट फोर टू मंथ वॉज नॉट राइज बाय अदर साइड, दोनों का जो बाउंड्री बना था तो इस साइड चाइना है, मान लो इस साइड इंडिया है, तो दोनों ये बीच में कोई एक दूसरे को क्रॉस नहीं किया, इस बाउंड्री को क्रॉस नहीं किया है, वो दोनों सेपरेट है। तो चाइना हैड ब्लॉक इंडिया प्रपोजल टू डेसिग्नेट अजहर एज इंटरनेशनल टेररिस्ट एट द यूएन सेंसेशन कमिटी। द चाइनीज मिनिस्टर ऑल्सो प्रोमिस एक्शन ऑन यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम लीडर प्रेस बोरा, जो उसको भी इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित करने के लिए चाह रहे थे। तो चाइनीज मिनिस्टर ऑल्सो प्रोमिस एक्शन यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम लीडर प्रेस बोरा हु इज सेड टू बी हाइडिंग इन चाइना, उसको भी चाइना में हाइड किया हुआ है। ही सेड दे वुड कंसिडर एनी फ्रेश इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाई इंडिया ऑन बोथ अजहर एंड बोरा, सेड अ सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल ने बोला है कि हमने प्रोवाइड कर चुका हूँ ऑन इंडिया के द्वारा अजहर ऑन बोरा के फ्रेश इंफॉर्मेशन कहाँ क्या है। तो और
और आप ये जानते हैं कि चाइना कंसिडर अरुणाचल प्रदेश अ डिस्प्यूट टेरिटरी एंड हैज रिफर टू तिब्बतन लीडर दलाई लामा एज सेपरेटिस्ट चाइना वाज कैटेगोरिकल दैट नो प्रोटेस्ट और डेमोन्स्ट्रेशन शुड बी ऑर्गेनाइज बाय द तिब्बतन हेयर। चाइना ये चाहता है कि जो हमारे तिब्बतन का लीडर है दलाई लामा, वो चाइना के अगेंस्ट कुछ भी ऐसे कोई मास मूवमेंट ना करे, कुछ ऐसे स्पीच ना दे कि चाइना में कुछ अनस्टेबिलिटी हो जाए। और स्पिरिचुअल लीडर क्या है, दे वांटेड टू राइज द सो कॉल्ड डिस्प्यूट स्टेटस ऑफ अरुणाचल प्रदेश बट वी डिड नॉट एग्री टू इंक्लूड इन इट्स एजेंडा। द चाइनीज डेलीगेशन वाज अज्यूर्ड दैट नो पोलिटिकल एक्टिविटी अगेंस्ट द चाइना विल बी अलाउड फ्रॉम एनी इंडियन टेरिटरी एंड सो फार एज दलाई लामा इज कंसर्न ही इज अ स्पिरिचुअल तिब्बतन लीडर हु वाज गिवन शेल्टर इन इंडिया सेड इन ऑफिशियल। ठीक है, बीजिंग ऑल्सो राज द अनरेस्ट इन जिनजिंग प्रोवाइडेड एंड साउथ इंडिया कॉरपोरेशन ऑन द मूवमेंट ऑफ वीगर मिलिशियंस। नो देर इज नो एविडेंस ऑफ द मूवमेंट ऑफ वीगर मिलिटेंट इन इंडिया बट द चाइनीज राज द सब्जेक्ट एज दे हैड एज अप्रिहेंशन एज दे मे बी यूज। तो आपने चाइना का क्या सोच है और क्यों वो बार बार अजहर को इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित करने में वीटो का पावर का यूज कर लेता है, लेकिन आज कुछ पॉजिटिव इनपुट चाइना की तरफ से मिला है कि हम कंसीडर करेंगे अगर इंडिया कुछ फ्रेश इंफॉर्मेशन दे अजहर के बारे में तो हम उसको इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित करने के लिए उसको हम कुछ कर सकते हैं। और चाइना ये भी चाहता है कि एंटी चाइनीज एक्टिविटी इंडिया में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद तो हम उसको डेसिग्नेट हिम टू इंटरनेशनल टेररिस्ट, उसके बाद हम कर सकते हैं। और ये हो गई। और डोकलाम का जो एक साल पहले हुआ था, जो अभी स्टेबल कंडीशन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये यूपीएससी के अकॉर्डिंग ये कभी भी पूछा जा सकता है कि चाइना इंडिया रिलेशन क्या के बारे में बताए। और तो ये मेंस के अगेंस्ट ये आपके लिए जरूरी है कि आपको चाइना और इंडिया के रिलेशन कैसे हैं, जो आपके बारे में ये समझ आ सके। तो प्लीज़ आपको ये न्यूज़, ये आर्टिकल्स, ये आपको अच्छा लगा तो कृपया लाइक एंड शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।